नमस्कार, वेलकम टू काइवा प्रोडक्शन। आज का जो सेशन है वो एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। वो है घी, दूध से बना घी। दोस्तों, हम देखते हैं कि मजबूत डाइट के तौर पे अगर हम देखें, हमारे भारत के अंदर घी को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ के भोजन में भी घी का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, और बच्चों को भी हम चाहते हैं कि मजबूत हड्डियों का मालिक बनाएं, मजबूत शरीर का मालिक बनाएं, तो हम घी के लिए ज़्यादा जोर देते हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई घी खाने से शरीर की मजबूती बढ़ती है। लेकिन क्या दोस्तों, क्या वास्तव में आप घी के वो सारे गुण ले रहे हैं जो कि ये घी के अंदर होने चाहिए? अगर हम बात करें घी की, तो सबसे ज़्यादा मिलावट आज के दौर में इस घी के अंदर है। और घी के हम बात करेंगे शुरुआत से कि कौन सा घी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम घी की बात करें तो भैंस का घी, भैंस के दूध से बना घी और गाय के दूध से बना घी, इस दो घी को हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हम कमर्शियल एंगल से देखें तो भैंसें हमारे चलन में आ गई, जबकि हमारे पौराणिक परंपरा में भैंस कहीं पर भी नहीं थी, हमारी भारतीय नस्ल की गायें थी। लेकिन एक कमर्शियल एंगल से कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता के अंदर भैंसों का आना हुआ। भैंसों के आने का कारण, मुख्य कारण था उनका ज़्यादा दूध देना, और उस दूध के माध्यम से जो घी बनता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हमें कुछ फैक्ट्स ज़रूर जानने चाहिए कि भैंस के घी का मेल्टिंग टेम्परेचर जो है 38 डिग्री होता है, और अगर हम इस घी को खाते हैं तो हमको अपने शरीर के को शारीरिक व्यायाम जरूर कराना पड़ेगा, ऐसा काम जरूर करना पड़ेगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री तक पहुँचे, जिससे कि वो घी हमारे शरीर के अंदर फैट के तौर पर ना बैठ जाए। क्योंकि हमारे शरीर का, आदमियों के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, और अगर हम घी की अधिकता का अपने शरीर में, अपने भोजन में रखते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम भैंस का घी अगर खा रहे हैं तो हम इतनी मेहनत करें कि वो घी हमारे शरीर में फैट के तौर पर ना बैठे। दोस्तों, इसके अलावा इस घी से हमको एक लेवल तक, अगर हम बिना मेहनत करें इस घी को खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का भी ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है, डायबिटीज़ का भी एक बहुत बड़ा ये कारण बन सकता है। तो दोस्तों, घी का इस्तेमाल, एक तो भैंस के घी का इस्तेमाल जब करें जब आप शारीरिक व्यायाम के, आपके पूरे जीवन दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम या आप ऐसी कोई शारीरिक मेहनत करते हैं तो आपको वो घी खाना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं गाय का घी। अब गाय के घी के अंदर जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 36 डिग्री होता है, तो वो आपकी बॉडी में फैट नहीं बनाता, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन गाय में भी हम दो तरीके की गाय की बात करेंगे, एक हमारी भारतीय नस्ल की गाय और एक दूसरी जो गाय है जिसको हम HF भी कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, अमेरिकन गाय कहते हैं। हमारे पुराणों में सिर्फ भारतीय नस्ल की गायों का जिक्र है, जिसकी गुणवत्ता हम अक्सर जानते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने थोड़ा सा मिसगाइडेड होके गाय दोनों को एक ही तरीके से देखते हैं कि गाय तो गाय है, चाहे वो भारतीय नस्ल की हो चाहे अमेरिकन गाय हो। हम अमेरिकन गाय के दूध का जो बना हुआ घी है उसमें हमें उसमें भी एक, आप देखेंगे, एक BCM7 प्रोटीन कोसिन होता है, वो उसके दूध में पाया जाता है। उसके दूध को A1 की श्रेणी में रखा गया है, और BCM7 प्रोटीन कोसिन जो है कोलेस्ट्रॉल का और डायबिटिक का एक बड़ा कारण है। तो दोस्तों, गाय का घी होने के बावजूद भी ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और मैं इसीलिए इस चीज़ को स्पेसिफिक तौर पर बताना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे कि अगर कहीं लिखा है कि गाय का देसी घी या देसी गाय का घी, इस शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या जो घी आप खा रहे हैं वो देसी गाय का घी है या गाय का देसी घी है। क्योंकि हम इस चीज़ को बड़ा कॉमनली देखते हैं और कोई भी घी जाके परचेज कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। दोस्तों, आपको मैं सलाह दूंगा कि आप जब भी घी खरीदें तो देसी गाय का घी खरीदें, क्योंकि हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय के अंदर एक हंप होता है जो उसके शरीर के ऊपर, उसको इसमें एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जो कि विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। साथ के साथ इस हम पौने की वजह से उसके दूध के अंदर, हम जिसको कहते हैं ना सोना, वो एक्चुअली क्या सोना क्या है, वो तत्व हैं, वो खनिज तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो
अब तो साइंस ने इसके दूध को भी A2 श्रेणी कहा गया है। A2 श्रेणी मतलब कि जो BCM7 प्रोटीन कोसिन A1 दूध में मिलता था वो इसके दूध में नहीं मिलता है, और ये अपने दूध में BCM7 प्रोटीन कोसिन को पैदा नहीं होने देता है, तो उसको A2 श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, मेरा आपसे आज के सेशन का एक मेन गुजारिश ये है कि आप घी ज़रूर खाएँ, लेकिन A2 श्रेणी का यानी भारतीय नस्ल की गाय का घी खाएँ, जो कि आपके शरीर को एक बच्चों के लिए अगर देखें तो बच्चों में एक विलक्षण बुद्धि के मालिक वो होंगे। क्यों? क्योंकि घी एक ऐसा तत्व है जो आपकी बॉडी के सेल्स पे काम करता है सीधा जाके। इसलिए आयुर्वेद में भी वैद्य लोग जो भी दवाइयाँ देते हैं वो घी के साथ में देते हैं, देसी गाय के घी के साथ में देते हैं, क्योंकि वो सीधा आपके सेल्स पे जाके दवाइयाँ काम करती हैं और आपको बीमारियों से दूर रखती हैं। तो आपको A2 श्रेणी के दूध से बना हुआ घी ही खाना चाहिए। और इसमें भी हम देखेंगे कि हमारी बहुत सारी गाय हैं, चाहे पहाड़ों में बद्री गाय हो, चाहे जंगलों में गिर गाय हो, ये सबसे ज़्यादा क्यों, ये गाय जो है सीधा जंगलों में चरती हैं, और जंगलों में चरने की वजह से उस मौसम की जो जड़ी बूटियाँ जंगल में हैं वो उसका सेवन करती हैं। और गाय के अंदर एक आध्यात्मिक गुण होता है, वो जिस परिवार से जुड़ी होती है वो उस परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से जंगल में उन्हीं जड़ी बूटियों का सेवन करती हैं जो उस परिवार की सेहत के लिए उस वक्त ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसी प्रकार का वो जड़ी बूटी का सेवन करेगी जो उसके लिए ज़रूरी है, या आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो गाय जो है जंगल में जाके उसी जड़ी बूटी का सेवन करेगी जो आपके को उस बीमारी से दूर करे। इतनी संवेदनशील गाय, इसीलिए इसको गौ माता की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे इस सेशन के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि घी के अंदर एक तो आपको नस्ल का ध्यान रखना है, फिर दूसरा घी के अंदर बहुत मिलावटें चल रही हैं। आप सस्ता घी के चक्कर में आप ऐसे घी को खाने लगते हैं, आप देखेंगे कि हमने कई बार रोड पर देखा है ट्रक भर भर के हड्डियाँ जाती हैं, उन हड्डियों का को बॉयल करके उसकी चर्बी निकाल के उस घी में मिलाई जाती हैं कई जगह। कहीं पर एक मात्र 150 रुपये किलो में ऑस्ट्रेलिया का बटर ऑयल आता है, उस घी उसको अगर उसमें मिला दिया जाए तो आप पहचान नहीं सकते, उस तरीके की मिलावट की जाती है। या आप ऐसे दूध से बने घी को जिसके अंदर केमिकल डाल के घी बनाया जाता है, उस तरीके के घी की, तो आप कीमत सस्ता होने के चक्कर में एक ऐसा अमृत जो कि आपके शरीर को बहुत कुछ दे सकता था उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि जो एक अच्छा घी है वो कम से कम एक भारतीय नस्ल की गाय के 30 से 32 लीटर दूध से जाके वो तैयार होता है, और उस दूध से जो तैयार होता है उसको हम पुरानी पद्धति के अनुसार हम उसका पहले मक्खन निकालते हैं, फिर उस मक्खन को गर्म करके फिर उसको घी के तौर पे लाते हैं। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन दिनों आपको A2 मिल्क और A2 घी की ओर बढ़ना चाहिए, और घी से जुड़ी काफ़ी सारी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी है वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी। नमस्कार।